भारत के मन की बात मोदी के साथ अभियान की शुरुआत भाजपा मंडल नैना देवी ने मां नैना देवी के चरणों से की। कार्यक्रम का आयोजन लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह से किया गया, जिसमें काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार को चलाने के लिए और आगामी लोकसभा चुनावों के चलते भारत की जनता के ये सुझाव मांगे जा रहे हैं, ताकि घोषणा पत्र में उन्हें स्थान दिया जा सके। उसके लिए ये अभियान भारत के मन की बात मोदी के साथ शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि इसमें प्रत्येक व्यक्ति अपना सुझाव लिखकर डाल सकता है। ये सभी सुझाव एकत्रित होकर केंद्रीय कार्यशाला में जाकर खुलेंगे और उसी के अनुसार इन सुझावों पर कार्य किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में जनता से केंद्र सरकार को चलाने के लिए और आगामी लोकसभा चुनाव की दृष्टि से घोषणा पत्र बनाने के लिए सुझाव मांगे हैं और इसके लिए एक अभियान, एक कार्यक्रम शुरू किया है, भारत के मन की बात मोदी जी के साथ। और इस कार्यक्रम का शुभारंभ आज श्री नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र में यहाँ माँ नैना देवी जी के चरणों से शुरू हुआ है। समस्त कार्यकर्ता, समस्त जनता अपने सुझाव लिखकर इस बॉक्स में डालेंगे और ये केंद्रीय कार्यालय में हमारे जाएंगे और वहाँ से सरकार को ये सुझाव भेजे जाएंगे। ये साबित करता है कि हमारी पार्टी लोकतंत्र में विश्वास रखती है और जनता के सुझावों पर काम करती है और निश्चित रूप से ये पार्टी को मजबूती देने में सहायक सिद्ध होगा। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए बिलासपुर से ऋषु प्रभाकर की रिपोर्ट।